सियासत इस तरफ चली गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के अंदर केवल धर्म विशेष के वोट्स के लिए फिक्रमंद है? नहीं नहीं, देखिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, 1950 से मुल्क की सियासत में ये धर्म का अंसर रहा है कि किस कम्युनिटी के वोट कहाँ किसके साथ में हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। सिर्फ 1950 के पहले इलेक्शन में, 52 के पहले इलेक्शन। लेकिन क्या ये हेल्दी डेमोक्रेसी के साइन? इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर कोई कम्युनिटी छोटी बड़ी, कोई कास्ट किसी इलाके में किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को करीब समझती है, तो ये उस कम्युनिटी का राइट है, जिसको चाहे वोट दे। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं साहब उनके साथ क्यों जाए, उनके साथ क्यों जाइए। ये तो उस कम्युनिटी का, ये तो डेमोक्रेसी की खूबी है कि हर शख्स को राइट देती है। तो अगर कोई मान लीजिए इलाका है जहाँ पर मुसलमान समझते हैं कि नहीं यहाँ कांग्रेस ही बेहतर है, अब यूपी में मान लीजिए मेजर इलाकों में समाजवादी पार्टी को मुसलमान सपोर्ट करता है, तो समझता है कि हमारा ये वेलिशन है जी। कहीं पर BSP को सपोर्ट करता है, बंगाल में ममता बनर्जी को सपोर्ट करता है, तो ये समझता है कि हमारे वेलिशन है। तो ये तो उस कम्युनिटी का राइट है कि इसको चाहे वोट दे जी। आप इस बुनियाद पर कोई लालच दें उनको, वो गलत बात है। आप इलेक्शन में कोई इशू ऐसा करें कि साहब अगर हम होंगे तो ये करेंगे, वो एक ख़ास कम्युनिटी के लिए कहें, तो वो गलत है। इसके लिए उसको इलेक्शन कमीशन ने रोका भी है। तो कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर अपील करना गलत है, लेकिन किसी कम्युनिटी या कास्ट को अपना समझना और अगर उसके वोटर आपके हैं और तो उनको वोट कास्ट कराना, इसमें कोई गलती नहीं।